हेलो फ्रेंड, बारिश का दिनों में हमें अलग अलग चटपटा नाश्ता खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। आज हम बनाएंगे एकदम स्पेशल नाश्ता का रेसिपी जो केला का फूल का है, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। तो चलिए आज का रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे केला का फूल का पकौड़ा जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हमने केला का दो ठो फूल लिया है और इसका जो ऊपर का छिलका है हमें इस निकाल देना है। अब फ्रेंड, आप इसका पकौड़ा बनाए खाइए, इतना स्वादिष्ट और टेस्टी होता है कि आप इसके टेस्ट के आगे पनीर का पकौड़ा, मटन का पकौड़ा, चिकन का पकौड़ा सब भूल जाओगे। इतना स्वादिष्ट इसका पकौड़ा होता है। तो हमें इसी तरह से फूल का जो छिलका उसे निकाल देना है, दोनों फूल का। ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने दोनों फूल का छिलका जो है उसे हमने निकाल दिया है और इस तरह से हमने कर दिया है। तो यहाँ पे जो फूल है अब हमें इसे काटना है छोटे छोटे। तो फ्रेंड, इसके काटने का जो तरीका है वो भी बहुत ही अलग है। फूल का जो डंटी है इसे पहले हमें काट कर हटा देना है और फिर हमें इसको बीच से काटना है इस तरह से। फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही इजी है, तो आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको दो भाग कर दिया है। अब फिर से हमें इसे बीच से इस तरह से काटना है। इसी तरह से पहले हमें दोनों फूल को काट लेना है, उसके बाद अब इसे हमें छोटा छोटा कचुम्बर की तरह हमें इसे काटना है बारी बारी से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से बहुत ही इजी तरीका से आप चाकू का मदद से भी काट सकते हैं। चलिए तो इसी तरह से हम पहले काट लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी फूल का इस तरह से कचुम्बर काट कर रेडी कर लिया है। अब हमें इसे बॉईल करना है, क्योंकि बॉईल करने से इसका जो काला काला है वो निकल जाता है, तो इसीलिए हम इसको पहले बॉईल कर देते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में हमने फूल का काटा हुआ को रख कर थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है। अब हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है ढक कर। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं। यहाँ पे फूल जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसे हमें जाली वाला बर्तन में डालकर इसका पानी को निकाल देना है। केला का जो फूल था जो हमने काट के बॉईल किया है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 ठो प्याज काटा हुआ, 4-5 ठो हरा मिर्च काटा हुआ और 1 चम्मच हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसमें 1/2 चम्मच हमें गूरा लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, 1/2 चम्मच हमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1/2 चम्मच से भी कम हमें इसमें गोल मिर्च पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा हाथों से रगड़ के इसमें अजवाइन ऐड करना है, 3 चम्मच बेसन ऐड करना है और 1 चम्मच हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। अब हमें 2 चम्मच चावल गुड़ी ऐड करना है, स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आज का जो रेसिपी है केला का फूल का, फ्रेंड आप बना के खाइए, इसका टेस्ट के आगे आप कचौरी समोसा खाना भूल जाओगे, इतना स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, अब हमें इसे फ्राई करना है। हम इसे फ्राई करते हैं, तो आज हम इसे अलग अंदाज में फ्राई करेंगे। तो हमें यहाँ थोड़ा सा हमें ऐसे ले लेना है। अब यहाँ पे हमने सूती का कपड़ा लिया है और हाथ पे रखा है और हम बड़ा को ऐसे रखेंगे और इसको हमें हाथ से इस तरह से इसे कर देना है, दबा देना है। देखिए अब हमें इसे कपड़ा पर से एक हाथ में इसको ले लेना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया है। तो चलिए अब इसे हम ऑयल में ऐड करते हैं। यहाँ पे तेल जो है वो हमें मीडियम हाई करना है, तो इसी तरह से हमें बना के ऑयल में ऐड करना है। इस तरह से बनाने से आपका साइज एक जैसा रहेगा और बहुत ही बढ़िया दिखेगा। फ्रेंड, आपको ये रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते ही रहते हैं। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड। तो चलिए अब इसे हम पलट देते हैं, क्योंकि इसका एक साइड जो है वो हल्का पक गया है और हमें इसका दोनों साइड ही अच्छे से पकाना है लो स्टीम पे। इसको पकने में मिनिमम 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, तो इसको हमें आराम से पकाना है, तब जाके जो हमारा बड़ा है पकौड़ा है वो अंदर तक अच्छे से पकेगा। यहाँ पे दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये बढ़िया से हमारा जो पकौड़ा है वो पक गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बनाया है, तो चलिए और है उसे भी हम बना लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे हमने सभी फूल का पकौड़ा जो है वो बना के रेडी कर लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया जो पकौड़ा है हमारा बन के रेडी हो चुका है, यम्मी यम्मी। आप इसको टी टाइम में भी बना के खा सकते हैं। वो तीखा ज़्यादा पसंद ना हो तो आप मिर्ची कम बेसी कर सकते हैं और आप इसको सॉस के साथ खाइए। अगर आप तीखा खाना आपको ज़्यादा पसंद है तो
तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही स्पाइसी खाने में लगता है। तो फ्रेंड आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।